बंगाल अपनी वेल्थ की वजह से चाहे देशी हो या विदेशी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। सोनार बांग्ला की यही चमक मराठास को भी अपनी ओर खींच लाई। भारत के ज्यादातर हिस्सों को जीतने के बाद मराठास ने पहली बार 1741 में बंगाल की तरफ अपने कैंपेन शुरू करे। ये कैंपेन्स आने वाले लगभग 10 सालों तक यानी कि 1751 तक चले, जिस बीच मराठास ने बंगाल पर लगभग 5 से 6 बारी आक्रमण किया। ये इन्वेजन इसलिए भी यूनिक है क्योंकि इसमें मराठाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे पहले असूल यानी कि सिविलियंस को हानि न पहुंचाने के रूल को तोड़ दिया। 18th सेंचुरी के बंगाली टेक्स्ट, महाराष्ट्र पुराण या फिर इंग्लिश या डच अकाउंट्स की माने तो मराठा बर्गीज वॉरियर्स ने इन इन्वेजन के दौरान सिविलियन प्रॉपर्टीज पर गुरिला टैक्टिक्स की मदद से काफी लूटपाट मचाई। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली सिविलियंस की किलिंग्स भी करी थी। इन इन्वेजन का खौफ इतना ज्यादा था कि कई सारे सिविलियंस अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट की तरफ पलायन करने लग गए। महाराष्ट्र पुराण के हिसाब से इन इन्वेजन के दौरान बंगाल में लगभग 4 लाख किलिंग्स करी गई थी। हालांकि ये नंबर डिस्प्यूटेड है, पर एक बात पक्की है कि बंगालीज के बीच आज भी ये इन्वेजन एक ब्लैक मार्क की तरह है। इन इन्वेजन में मारे गए सिविलियंस की वजह से बंगाल में लेबर की शॉर्टेज होने लगी और इसी वजह से बंगाल की इकोनॉमी पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा।